रीवा में फिर मिली सिरकटी लाश। रागीरों ने पुलिस को दी सूचना। रीवा जिले में आज एक बार फिर हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहां नाले के ऊपर बनी पुल के नीचे के अज्ञात युवक की लाश सिरकटी लाश देखी गई है। रागीरों द्वारा लाश देखे जाने के बाद सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक का सिर और दाहिने हाथ का पंजा कटा हुआ है। इसके अलावा उसके गुप्तांग को भी कुचला गया है। यह पूरा घटना रीवा जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र के बहुती से पहाड़ी पहुंच मार्ग के बीच स्थित ग्राम मारों की है, जहां से दहानाला पुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति की सिरकटी लाश मिली है। पुलिस को मौके पर सिर्फ धड़ मिला है, जबकि उसका कटा हुआ सिर और हाथ का पंजा गायब है। युवक की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उससे यह प्रतीत होता है कि मामला बेहद ही संगीन है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते हत्या होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज बुधवार की सुबह नई गढ़ी के ग्राम मारो स्थित सिद्धा पुल के नीचे स्थानीय राहगीरों ने अज्ञात युवक की सिरकटी लाश देखी है। ये लाश पुल के नीचे घुटने भर पानी में तैरती देखी गई। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद नई गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि मृतक के धड़ से उसका सिर और दाहिने हाथ का पंजा गायब है, जबकि उसके गुप्तांग को भी कुचला गया है। युवक की हत्या किसने और क्यों की और वे हैं कौन है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि जिस बेरहमी पूर्वक युवक की हत्या कर उसके सिर और अंगों को काटा गया है, उससे हत्यारों की युवक से कोई बड़ी दुश्मनी रही होगी। इसके अलावा ऐसी हत्या का प्रेम प्रसंग के चलते भी प्रतीत हो रहा है। पुलिस मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है, जिसकी पहचान के बाद ही उसकी हत्या के राज से पर्दा उठ सकता है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और शव के धड़ से गायब अंगों की भी तलाश की जा रही है, जिसके बाद शव को पीएम के लिए भेजा जाएगा। पाए हर कपड़ों में भारी छूट आपके सीधी में, पता है न्यू गुरु कृपा गारमेंट्स मधुसूदन मार्केट एक्सिस बैंक के पास गांधी चौराहा सीधी। इस प्रतिष्ठान में एक बार जरूर पहुंचे।